आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड विद इन 24 आवर्स व्हेन वाटर इज सप्लाइड इज 815 डिग्री सेंटीग्रेड। आल्सो हॉर्स पावर रिक्वायर्ड इफ द रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी इज 250 टन्स एट द टेम्परेचर बिटवीन -8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड। टेक लेटेंट हीट ऑफ आइस एज 80 किलो केल्विन किलो कैलोरी पर किलोग्राम। क्वेश्चन में बोला गया है इसमें वेट ऑफ आइस निकालना है, आइस का वेट निकालना है जिसमें प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं कितना 24 आवर्स करता है। जब वाटर की सप्लाई 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो सो इसका हमको पावर कितनी होगी हॉर्स पावर में ये, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर इसकी कितनी दी हुई है कैपेसिटी 250 टन्स का दिया है, उसमें टेम्परेचर दिया हुआ -8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इसमें लेटेंट हीट ऑफ आइस लेना, आइस का लेटेंट हीट कितना लेना है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के बराबर। ये क्वेश्चन 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन में लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ आइस प्लांट, आइस प्लांट की कैपेसिटी कितना है ये है 250 टन्स के बराबर। इसमें लिख देंगे कैपेसिटी ऑफ प्लांट इक्वल टू 250 टन के बराबर। टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर कितना है लिखा हुआ है, वाटर इज सप्लाई 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें है वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। इसके बाद इसमें जो लोअर टेम्परेचर इसका कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर है, सो लोअर टेम्परेचर ऑफ वाटर हो जाएगा T1 इक्वल टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में चेंज करें तो हो जाएगा -8 प्लस 273, क्योंकि हम लिख सकते हैं 265 डिग्री केल्विन के बराबर। फिर हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर निकालते हैं तो हाई टेम्परेचर कितना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T2 इक्वल टू है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 17 प्लस 273 करेंगे, ये हो जाएगा 290 डिग्री केल्विन के बराबर। इस तरीके से इसमें हम लोअर टेम्परेचर ऑफ वाटर और हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर निकालते हैं। लोअर टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना आता है T1 इक्वल टू आ जाता है 265 डिग्री केल्विन, और हायर टेम्परेचर T2 इक्वल टू हो जाएगा 290 डिग्री केल्विन के बराबर। कैपेसिटी ऑफ प्लांट कितना है 250 टन पे दिया हुआ है, क्योंकि हम अब जब भी टन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या जाता है 250 × 210 हो जाए 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिया जाएगा 52,500 किलो जूल पर मिनट आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ प्लांट। इसके बाद क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, सो हीट टेकन आउट फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इनटू 1 किलोग्राम ऑफ आइस। इसमें क्या है, अगर हीट हम लेना है कितना 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को कन्वर्ट करना है 1 किलोग्राम ऑफ आइस के लिए, तो इसमें हम करेंगे 1 × 15 - 0, मतलब जो हमको इसका टेम्परेचर दिया था वाटर का कितना 15 दिया था माइनस आउट टेम्परेचर नहीं है तो 0 प्लस 80 कितना है लेटेंट हीट है तो 80 सॉल्व करें तो 95 किलो कैलोरी पर किलोग्राम आ जाएगा। इसके बाद हीट रिजेक्टेड इन 24 हावर्स वाई दी मशीन, जो हीट रिजेक्टेड कर रही है 24 हावर्स कर रही मशीन के द्वारा, तो इसमें क्या है हीट रिजेक्टेड कितना 52,500 इंटू 60 हो जाएगा इंटू 24 हो जाएगा, इससे हम निकाल सकते हैं 24 घंटा इसलिए 24 लिया और यहाँ आ जाएगा 756 लाख किलो जूल हो जाएगा, 756 × 10^5 किलो जूल के बराबर हो जाएगा। वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड इन 24 हावर्स में आ जाएगा, अगर हम वेट के लिए निकालते तो क्या आ जाएगा ये 756 ये आ जाएगा अपॉन 95 हीट टेकन इंटू 4.818 आ जाएगा। इसके साथ में 4.18 क्या है, इसमें 4.18 इसमें दिया हुआ है 4.18, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम ये हो जाएगा 1903802568 किलोग्राम के बराबर। सो इसमें हम लिख सकते हैं वेट ऑफ आइस, आइस का वजन कितना लिख सकते हैं, इसको टन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190.38 टन के बराबर। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मशीन निकालते हैं, जिसका होता है फार्मूला T1 / T2 - T1, इसकी वैल्यू पुट कर दे, T1 कितना है 265 / T2 290 - T1 265, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10.6 के बराबर। इस तरीके कोफिशिएंट ऑफ मशीन निकालते हैं।
अब चूंकि आपको मालूम है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला होता है नेटवर्क अपॉन कितना होता है वर्क डन, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नेट कितना आ जाएगा 52,500 अपॉन W इंटू 60 हो जाएगा यहाँ पर, तो 10.6 आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये निकला इसको पुट कर देंगे इक्वल टू 52,500 अपॉन W इंटू 60, तो W इक्वल टू आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 82.54 किलोजूल पर सेकंड के बराबर है। इसलिए पावर रिक्वायर्ड इसमें कितनी आ जाएगी, पावर रिक्वायर्ड आ जाएगी इसमें 82.54 किलोजूल पर सेकंड के बराबर। इस तरीके से इसमें हम पावर रिक्वायर्ड